अब मुझे नहीं पता कि सारे नर्डी यूट्यूबर्स को क्या हो गया है, जो किसी ज़ॉम्बी की तरह शाहरुख खान की डंकी के ट्रेलर को लेकर एक जैसा फॉल्स टाइप का पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं। क्योंकि फ्रैंकली कहूँ तो मुझे एक फ्रीकिंग सेकंड के लिए भी डंकी के इस इमोशनल रोलर कोस्टर राइड के ट्रेलर के अंदर दिल को छन्नी छन्नी करने वाला वो पावर इम्पैक्ट फील ही नहीं हुआ। तूने सुना ना, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब सच कहूँ तो डंकी के ड्रॉप 4 यानी ट्रेलर को देखने के बाद मेरा फर्स्ट रिएक्शन काफी ठंडा था, और ऑनेस्टली कहूँ तो मुझसे कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। और क्यों मैं राजकुमार हिरानी के डंकी के ट्रेलर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ? इस दिल के कनेक्शन को बिठाने के लिए मैंने डंकी के ट्रेलर को 10 बार देखा, बट तब भी मेरे गुलाब जामुन जैसे चेहरे पर ना ही मेरे जज्बात बदले और ना ही मेरे हालात। उल्टा, और जैसे जैसे मैं डंकी के ट्रेलर को बार बार और देखते जा रहा था, उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं अगेन एंड अगेन डिसअपॉइंट होते जा रहा था। क्योंकि सॉरी, मुझे तो डंकी के ट्रेलर में वो एक्स फैक्टर या राजू हिरानी का वो मैजिक देखने को नहीं मिला जो इससे पहले संजू पीकी के टीजर ट्रेलर में हमें देखने को मिला था। आई मीन, उस टाइम पर रणबीर कपूर ने संजय दत्त के कैरेक्टर को ऐसे जिया था कि वो इपिक लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर ही पब्लिक पागल हो चुकी थी। वही पीकी मूवी का भी जब फर्स्ट लुक या फर्स्ट टीजर आउट हुआ था, तब आमिर साहब को नंगा देख पूरी इंडिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तो शुरू से ही देखा जाए तो डंकी के फर्स्ट लुक से लेकर ट्रेलर तक ऐसे कुछ छप्पड़ फाड़ के रखने वाले एक्स फैक्टर हमें डंकी के इन 4 बूंद वाले ड्रॉप के अंदर किसी में भी देखने को नहीं मिला। वही टेक्निकली भी बात करूं तो ट्रेलर के अंदर के जोक से लेकर हार्ड रेटिंग दिखने वाले इमोशन सीन्स भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालते। और रही बात शाहरुख खान की, ये जो नकली सा दिखने वाला बुड्ढा लुक है, तो टेक्निकली शाहरुख खान का ये बुड्ढा लुक इतना फेक लग रहा है कि बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इतना सब कुछ दिखने के बाद भी पता नहीं सभी के सभी जबरदस्ती की तारीफों की पुल बांध रहे हैं डंकी के ट्रेलर को लेकर। और बहुतों का तो ये भी कहना है कि मास बहुत हो गया और अब कोजी कोजी लाइट हार्टेड मूवी देखना प्रेफर करेंगे। तो लॉजिकली होश में रहते हुए पूरे ठंडे दिमाग से यही कहना चाहूंगा कि डंकी के ट्रेलर के इतने बड़े बड़े बॉम्ब्लास्टिक मिस्टेक्स को सिर्फ और सिर्फ राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान के सो कॉल्ड हिस्टोरिक कोलैबोरेशन की वजह से अवॉइड कर रहे हो, तो सलार का कोलैबोरेशन और उसका फायर ट्रेलर डंकी से 100 गुना ज्यादा अपेलिंग, कोजी और बॉम्ब्लास्टिक है। इसके अलावा बहुतों का ऐसा भी लग सकता है कि GBF टारगेट कर रहा है डंकी को। तो बात ऐसी है कि मैं कोई शाहरुख खान या राजकुमार हिरानी का दुश्मन नहीं हूँ, इसके अपोजिट मैंने शाहरुख की जवान और पठान को फटे तक चीयर किया है। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि शाहरुख खान के जो बाप और मास लेवल की इमेज आज के डेट में बनी है, वो भी 4-5 साल का अखंड गैप लेने के बाद, तो 100 बात की एक बात ये है कि शाहरुख को फिर से वो अगेन मिस्टेक ना करते हुए ये डंकी जैसी पप्पू टाइप की मूवीज तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि सच कहूँ तो ये डंकी का कैरेक्टर किसी भी एंगल से शाहरुख खान के ऊपर सूट ही नहीं कर रहा है। ऐसे में जो शाहरुख खान के फैंस जो जवान के रिलीज होने तक सिर्फ बंदे को एक्शन एक्शन और एक्शन में ही बिग स्क्रीन पर सभी की हड्डियां तोड़ते देखना चाहते थे, आई मीन अचानक उन्हें डंकी के आउटडेटेड बासी जोक्स और अनटचेबल इमोशंस वाले ट्रेलर के अंदर ऐसा क्या दिख गया जो फेक तरीके से सभी के सभी पंप हुए बैठे हैं, जबकि अंदर से सभी को पता है कि ये राजकुमार हिरानी का बेस्ट काम नहीं है। बट वो कहते हैं ना, जब इंसान का टाइम अच्छा चल रहा होता है तो गधा भी घोड़ा लगने लगता है। शायद इसी डोमिनो इफेक्ट का एडवांटेज शाहरुख खान की डंकी को मिल रहा है, वरना इतना ठंडा, इमोशनलेस और नकली टाइप का ट्रेलर लिटरली अंधे को भी पसंद नहीं आता। बाकी रही बात यहाँ पर डंकी वर्सेस सलार की, तो सलार के ट्रेलर को मिक्स रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी जो अपने स्केल से जो पावर इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर डाला है, उस पर यही कहूंगा कि बाप बाप होता है, जो डेफिनेटली डंकी से एक दिन लेट रिलीज होने के बाद भी उसे क्रिटिकली कमर्शियली कच्चा चबाने का कैलिबर रखता है। वैसे अगर तुमने शाहरुख खान की डंकी का ट्रेलर देखा है तो तुम्हें ऑनेस्टली कैसा लगा, इस पर तुम अपने ओपिनियन बिना समोसा खाए कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।